हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन लेके आया हूं कल के लिए बेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग टिप्स, जो कि आप लोगों को एक जोरदार और एक शानदार प्रॉफिट दे सकते हैं। उससे पहले जो भी हमारे ट्रेडर्स हैं, जिनको भी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग या मार्केट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट पर्पस या अदर कुछ भी चीज़ें का यूज़ करना है, तो दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप स्टॉक का एंड एंजल ब्रोकिंग का लिंक दिया हुआ है। आप वहां पर जाके इजीली एंड फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन करवा के हमारे साथ प्रीमियम टेलीग्राम में ऐड हो सकते हैं, जहां पर आप लॉन्ग टर्म के शेयर भी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकते हैं, देन इंट्राडे की टिप्स भी आसानी से मिल सकती है, जिसमें आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। अब आइए दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं आज का मार्केट अपडेट दे देता हूँ कि मार्केट जिस प्रकार से मोमेंटम किया, मार्केट में जो एक्सपेक्टेड किया जा रहा था कि मार्केट आज ग्लोबल मार्केट की अगर मैं बात करूँ, यूरोपियन मार्केट की बात करता हूँ, डाओ फ्यूचर की बात करता हूँ, मॉर्निंग में काफ़ी अच्छे पॉजिटिव थे, तो ऐसा लग रहा था मार्केट 100 पॉइंट लगभग पॉजिटिव ओपन होगा और यहाँ से 100 पॉइंट मूवमेंट, मतलब आज अप्रॉक्सीमेट 200, मतलब एक रजिस्टर लेवल देखा जा रहा था लगभग 350 तक का 11,350 का रजिस्टर लेवल देखा जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्टॉक रेड निशान में भी आया दोस्तों, फिर ब्रेकआउट लिया, फिर अच्छा खासा मूवमेंट हुआ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अप्रॉक्सीमेट 70 पॉइंट की तेजी के साथ स्टॉक 11,247.48 रुपये के प्राइस पर जाके बंद हुआ। वहीं पर आप देख सकते हो कितनी शानदार तेजी रही, करीबन 39 स्टॉक दोस्तों ऐसे थे जो सेकेंड हाफ में पॉजिटिव आए और वहीं पर 11 स्टॉक नेगेटिव रहे थे। टॉप गेनर की लिस्ट में देख सकते हो आयसर मोटर ने तो आज मजा ही ला दिया, जिस प्रकार से ये आयसर मोटर का परफॉर्मेंस आ रहा था, इंडालको, बजाज ऑटो, जी इंटरटेनमेंट, एनटीपीसी, ये टॉप गेनर थे। वहीं टॉप लूजर की लिस्ट देख सकते हो एसबीआई, भारतीय एयरटेल, बीपीसीएल, रिलायंस इंडस्ट्री और वहीं पर टाटा मोटर्स, ये टॉप लूजर की लिस्ट हैं दोस्तों। तो टॉप गेनर, टॉप लूजर की लिस्ट, देन मार्केट अपडेट देने के बाद दोस्तों अब लेके चलता हूँ आप लोगों को जो कल का आप लोगों को पहला स्टॉक है उसके ऊपर, जहां पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा दोस्तों। दोस्तों, जो आप लोगों का फर्स्ट स्टॉक है उसका नाम है विप्रो लिमिटेड, जो आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है और उसका परफॉर्मेंस आज देखोगे तो स्टॉक के प्राइस के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो इतना शानदार है, लगभग 7 पॉइंट की तेजी, और अगर आप देखोगे तो 2.5% से ज़्यादा है, जो कि 283.50 रुपये पर क्लोज हुआ है। वहीं इसका प्रीवियस क्लोज देख सकते हो 276.50 रुपये का है, गैप ऑफ ओपनिंग लिया लगभग 2 रुपये का, 278.60 रुपये का, स्टॉक हाई लगा रहा है 286.40 रुपये का और लो लगा रहा है 277.65 रुपये का। अप्रॉक्सीमेट प्रीवियस क्लोज से अगर इसको कंपैरिजन करो तो 10 पॉइंट की तेजी स्टॉक में हमें देखने को मिल रही है। वहीं से अगर आप देखोगे इस छोटे से स्टॉक में उतना कुछ खास वॉल्यूम नहीं आया, मात्र 1,45,47,000 क्वान्टिटी आज ट्रेड हुई। वहीं अगर ट्रेड वॉल्यूम नंबर ऑफ लेक में देखोगे तो मात्र दोस्तों 41,000 का वॉल्यूम है, देन उसके बाद कंपैरिजन कर रहे हो 52 के हाई से, तो आप देख सकते हो 31 जुलाई को 290 का हाई लगाया था, हो सकता है दोस्तों हमें कल की डेट में ये ब्रेक होते हुए देखने को मिले। वहीं आप देख सकते हो 52 का लो काफ़ी नीचे था, स्टॉक काफ़ी अच्छी पोजीशन पे आ चुका है दोस्तों। वहीं डिलीवरी पैटर्न चेक कर सकते हो, छोटे से स्टॉक के हिसाब से डिलीवरी पैटर्न भी, क्योंकि दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बहुत ही तरीके से सही नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक, जिसके लिए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए इतनी क्वांटिटी यहाँ पर डिलीवरी नहीं ली जा रही है, मात्र 38 लाख, जो कि 26% की है। इंट्राडे के लिए, पोजिशनल ट्रेड के लिए स्टॉक अपने लिए काफ़ी अच्छा खासा है। अब चलिए इसका चार्ट पैटर्न पर समझते हैं क्या मोमेंटम कल के लिए मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पर विप्रो का चार्ट देख सकते हो, कितना शानदार चार्ट देखने को मिल रहा है। अगर चार्ट पे मैं मोमेंटम की अगर बात करता हूँ तो दोस्तों जिस प्रकार से यहाँ पर बाइंग हुई,
बाइंग के बाद सडनली यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग, फिर यहाँ से बाइंग, फिर एक नया रजिस्टर बनाया, फिर स्टॉक सडनली उसी रजिस्टर लेवल से गिरा, देन उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन स्टॉक गिरता रहा। फिर सेकेंड हाफ में जो मोमेंटम चालू हुआ उसमें स्टॉक ने तेज़ी बनाई और एक अच्छी पोजिशन पर जाके बंद हुआ। ठीक है, वही 5 दिन का चार्ट दिखाता हूँ, तो 5 दिन के चार्ट में भी कहीं जगह प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही, मात्र 1.5% की तेज़ी। स्टॉक में 1 महीने के चार्ट में असली तेज़ी दिख रही है 4.5% की। अगर आपको 6 महीने का चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ तो 6 महीने के चार्ट पैटर्न पे आपको देखने को मिलेगा लगभग 16% से ज़्यादा की तेज़ी। ठीक है, तो इसी के साथ साथ जो देखने को मिल रहा है दोस्तों वो काफ़ी इंटरेस्टिंग, इस यहाँ पर जो वॉल्यूम क्रेडिट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो रजिस्टर बना था वो बहुत सारे ट्रेडर्स को अपना टारगेट मेंटेन करने के हिसाब से रखा गया था, वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई ईजिली, यहाँ पर जो ब्रेकआउट आया उसके बाद सडनली स्टॉक अपसाइड का मूवमेंट किया। तो क्लियर दिख रहा है दोस्तों स्टॉक का फेस, स्टॉक का चार्ट कि जो इसका रजिस्टर लेवल है उसे ब्रेकआउट दे सकता है। अब आप लोगों को दोस्तों टारगेट एंड स्टॉप लॉस सजेस्ट करता हूँ। टारगेट एंड स्टॉप लॉस सजेस्ट करने से पहले आप लोगों को फिर से मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों कि जो भी ट्रेडर्स है जिनको भी डीमेट अकाउंट ओपन करवा के हमारे साथ प्रीमियम टेलीग्राम में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना है तो नीचे एंजल ब्रोकिंग और ऐप स्टॉक की डीमेट अकाउंट की लिंक दी हुई है, आप वहाँ पर जाके इजीली आप फ्री ऑफ कॉस्ट डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब आइए टारगेट एंड स्टॉप लॉस सजेस्ट करता हूँ दोस्तों। जो रजिस्टर लेवल है उसके बिहाफ पे मैं आप लोगों को ये स्टॉक 285 से बाय की पोजीशन बताता हूँ। लगभग छोटा स्टॉक है तो छोटे टारगेट के साथ चलेंगे अपन, 288 का अपन टारगेट लेके चलेंगे 3 रुपये का, या 289 का भी लेके चल सकते हो। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करता हूँ तो 283 का आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो 2 रुपये का। ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्टॉक है दोस्तों और काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न आप लोगों को, छोटा स्टॉक है कम क्वांटिटी अगर मेंटेन करते हो तो भी अच्छा प्रॉफिट निकलेगा, ज़्यादा करते हो तो काफ़ी अच्छा निकलेगा प्रॉफिट। ठीक है, तो आप लोगों के ऊपर है, आपको जिस भी प्रकार से करना है आप उस प्रकार से कर सकते हो, या जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र है या ब्रोकर है उनसे पूछ सकते हो कि इसमें कैसी पोजिशन हम बना सके। अब आइए सेकेंड स्टॉक के ऊपर लेके चलता हूँ। ट्रेडर्स, आप लोगों के लिए सेकेंड स्टॉक है बैंकिंग सेक्टर से जिसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, जिसमें आज का परफॉर्मेंस देख सकते हो लगभग 2.25% की तेज़ी जो कि 22 पॉइंट से ज़्यादा है। स्टॉक का प्राइस देखोगे तो 1330 रुपये का प्राइस है, प्रीवियस क्लोज देख सकते हो 1307 रुपये का, जो गेप अप ओपनिंग लिया था दोस्तों बैंक निफ्टी ने लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाया तो स्टॉक भी पूरी तरीके से नीचे आ चुके थे। गेप प्रीवियस क्लोज देख रहे हो 1307 का, ओपन देख रहे हो 1320 का, मतलब लगभग 13 पॉइंट की तेजी, हाई देख रहे हो 1333 का, लो लगा रहा है 1312 रुपये का, समथिंग आज स्टॉक में 30 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। वहीं अगर आप देखोगे ट्रेड वॉल्यूम नंबर ऑफ शेयर में तो मात्र 28,31,340 क्वांटिटी ट्रेड हो रही है, वहीं पर ट्रेड वॉल्यूम नंबर ऑफ लेक में आप चेक कर सकते हो मात्र 37,000 का ट्रेड वॉल्यूम नंबर ऑफ लेक में। वहीं पर स्टॉक दोस्तों स्टॉक का 52 बिक का हाई एंड 52 बिक का लो आप चेक कर सकते हो, दोनों ही काफ़ी दूर हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो जिसके कंपैरिजन से अपन आज की डिलीवरी पैटर्न चेक कर लेते हैं, क्या डिलीवरी देखने को मिल रही है दोस्तों। आप देख सकते हो 41.96% की डिलीवरी पैटर्न, जो कि क्वांटिटी में देखोगे तो 1,188,000 की यहां पर डिलीवरी पैटर्न देखने को मिल रही है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है स्टॉक के प्राइस के अकॉर्डिंग। तो आप चलिए चार्ट पे लेके चलता हूँ क्या मोमेंटम अपने को मिल सकता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो चार्ट पे आपको कहीं कहीं प्रॉफिट बुकिंग दिखने को मिल रही है। सबसे पहली पोजीशन पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल गई दोस्तों, जहाँ पर स्टॉक ओपन हुआ सडनली प्रॉफिट बुकिंग, स्टॉक नीचे आया फिर बाइंग बनी, बाइंग के साथ पोजीशन एक सपोर्ट लेवल के साथ एक रजिस्टर लेवल पे गई, मतलब स्टॉक ने सपोर्ट बनाया उसी सपोर्ट से पहले एक रजिस्टर बनाया, वो भी बनाया दोस्तों सेकेंड हाफ में, फिर स्टॉक नीचे आया, फिर स्टॉक ने जो रजिस्टर था जो दोस्तों अपना 1330-1332 का वो यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देते हुए दिखा, मतलब यहाँ पर अलग ही दिख रहा है क्लियरली दोस्तों। अगर आप स्टॉक का फेस देख रहे हो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहा है स्टॉक में, 5 दिन की तेजी गिरावट है, इसको हो सकता है कल की डेट में रिकवरी कर ले। 1 महीने के चार्ट में, 1 महीने के चार्ट में तेजी देखने को मिल रही है, 6 महीने के चार्ट में स्टॉक में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। लॉन्ग टर्म के लिए भी बेहतरीन स्टॉक है दोस्तों, जो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा इस पोजिशन पर भी अगर आप खरीद रहे हो ना लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को, तो जो ये 6 महीने का आपको गिरावट
दिख रही है, ये भी गिरावट अगर रिकवर होती है इस पोजीशन से तो स्टॉक का प्राइस लगभग मैं बताने वाला हूँ कि 1800 तक आ सकता है। तो ये 1800 पे आपको यहाँ से लगभग 600 पॉइंट से 500 पॉइंट की तेजी इजीली इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म और पोजिशनल ट्रेड पर मिल सकती है दोस्तों। तो आप लोगों के लिए लॉन्ग टर्म के लिए भी बेहतरीन स्टॉक हो सकता है। अब चलिए टारगेट एंड स्टॉप लॉस सजेस्ट करता हूँ। देखिए दोस्तों, टारगेट एंड स्टॉप लॉस जो आप लोगों का रहेगा वो कंफर्टेबल जोन में रहेगा। तो आप लोगों को जिस प्रकार से भी मोमेंटम लेना है तो वो आप लोग आपके हिसाब से टारगेट एंड स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हो। स्टॉक को हम दोस्तों 1335 रुपए के लेवल से बाय करेंगे, लगभग अगर मैं बात करता हूं तो 1345 का टारगेट लेके चलेंगे। स्टॉप क्लोज की अगर मैं बात करता हूं, मोमेंटम स्टॉक में थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप लगभग 1328 मतलब यहां से 7 पॉइंट का एसएल लेके चल सकते हो। सबसे बेहतरीन मोमेंटम आपको टाटा मोटर्स के साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ इस कोटक महिंद्रा बैंक, वहीं पर ICICI बैंक एंड एक्सिस बैंक, ये चारों स्टॉक जो है दोस्तों अभी काफ़ी फोकस में रहने वाले हैं। ऑटो सेक्टर से आप लोगों को पता है टाटा मोटर्स काफ़ी हाई लेवल पे, तो उसमें भी उसको भी वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हो। तो आप लोगों को ये दो स्टॉक रिकमेंडेड किए, बाकी जो तीन का नाम बताया उनको आप वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हो। ये पाँच स्टॉक को आप इजीली इस वीक में अच्छे खासे ट्रैक करके चल सकते हो। अब चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर वीडियो को क्लोज करता हूँ। वीडियो को क्लोज करते समय यही बोलूँगा दोस्तों, आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि डेली बेसिस पे इंट्राडे के टिप्स एंड मार्केट अपडेट आप लोगों तक लाता रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों।